दोस्तों हम बलिया के जिला अस्पताल में हैं। यहाँ तो मरीजों की समस्या, मरीजों के साथ जो समस्या हो रही है, ख़ास तौर पे यदि रात में कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो यहाँ जूनियर डॉक्टर ही मिलेंगे। सीनियर डॉक्टरों को बुलाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको। फिलहाल जो भी हो, ईश्वर सबकी मदद करता है, आप लोग का भी करेगा। आइए हम इमरजेंसी के पास पहुँचते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ का माहौल, यहाँ कौन है, इमरजेंसी में क्या ड्यूटी हो रही है, कैसे चल रहा है बलिया का हॉस्पिटल, मरीजों को सुविधाएं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, बाकी क्या है, आइए देखते हैं। अंदर तो ये पता चला है कि मरीज ज़्यादा हैं, डॉक्टर कम हैं, फिर भी सेवा सबकी हो रही है यहाँ पे। देखिए दो दो एम्बुलेंस यहाँ खड़े, हॉस्पिटल की बात क्या करेंगे, इस समय तो बलिया पीछे है, मऊ आगे है। स्वास्थ्य के मामले में आज भी मऊ जनपद का कोई जवाब नहीं है। वैसे कहा जाता है ये वीरों की धरती है, यहाँ बगावत हुई थी आज़ादी के पहले, बलिया आज़ाद हुआ, ये वही धरती है जिसने देश को प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर को दिया। फिर भी बहुत सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम लोग यहाँ हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कैसे हो, पैनल कैसे बैठे, खासतौर पर रात्रि में, रात में डॉक्टरों का एक पैनल कैसे बैठे, बच्चों के डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, तमाम लोग, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। इमरजेंसी सेवा है तो पानी चढ़वा लीजिए, इंजेक्शन लगवा लीजिए, और अधिक कोई मामला है तो यहाँ से फुट लीजिए, यानी किसी और जनपद के लिए निकल लीजिए।